नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय YouTube चैनल द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव की एक और बड़ी अपडेट हाजिर है आप सभी के लिए। दोस्तों, पंजाब इलेक्शन से पहले कांग्रेस की किले से फायदा में आम आदमी, महीनों की मेहनत लगेगी रंग, विधानसभा चुनाव को लेकर ये बन रहा है समीकरण। आम आदमी पार्टी ने 2017 के राज्य चुनावों में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर के लिए 20 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस नेताओं के बीच किले का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही पंजाब में हो रही हलचल के बारे में जानेंगे। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडियन न्यूज पे मिलती रहेगी। जानते हैं आगे की अपडेट क्या होगी, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदलने के फैसले से आम आदमी पार्टी को मदद मिल सकती है। राजनेता और विशेषज्ञों ने कहा है कि आपका शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन से ज्यादा फायदा होगा। उन्हें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों को आकर्षण का खामियाजा भुगतने रही बीजेपी अब भी राज्य के एकजुट होने के लिए संघर्ष कर रही है। आम आदमी ने, जिसने 2017 के राज्य चुनाव में प्रमुख विशेष दल के रूप में उभरने के लिए 20 सीटें जीती थी, कांग्रेस के अस्तित्व को भूनने के लिए महीनों का काम कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी धीरे धीरे राज्य के बड़े हिस्से में अपने प्रचार विशेष और लोकलुभावन वादों के साथ लोगों का आकर्षित करने में काम कर रही है। विशेषकों ने कहा है कि पार्टी के अपने सीएम चेहरे के लिए एक प्रमुख सिख व्यक्ति की तलाश में कर रही है। विशेषकों का कहना है कि उसे दो बार के संगरूर सांसद भगवान मान की आकांक्षाओं के प्रबंधन करना होगा, जो अब के सबसे लोकप्रिय राजनेता है। पार्टी के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों ने 2022 की सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या मिलने पर उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की पेशकश की है। इस मामले में परिचित लोगों ने कहा है कि लेकिन उन्हें पार्टी का चेहरा बनाने के लिए आपत्ति है। चड्डा के साथ आम आदमी पार्टी का कई इकाई से प्रभारी जनरल सीए ने कहा कि सीए का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार किया गया है। उसकी सरकार पंजाब में पूरी तरह से विफल रही है। आज जो हुआ उसकी तैयारी कांग्रेस भीतर लंबे समय से हो रही थी। कांग्रेस ने आज अपनी अक्षमताओं और विफलताओं पर मुहर लगा दी है। अमरिंदर सीए सरकार के तहत काम करने वाले हर मंत्री और विधायक को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। महामारी के महत्वपूर्ण समय में जहां कांग्रेस सरकार को पंजाब के लोगों को अपनी सेवा संप्रदी करनी चाहिए थी, सबसे पुरानी पार्टी बस अपने भीतर लड़ रही थी। आखिरकार दोस्तों, इससे कितना नुकसान होता है कांग्रेस को, जाने के तमाम अपडेट और भी आगे की। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।